एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है एयर फॉइल, लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। जो एरोप्लेन का उड़ना है वो टोटली बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। वो कैसे बेस्ड है? एरोप्लेन का उड़ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है। डिब्बा टाइप एरोप्लेन कभी नहीं होता, क्यूबॉइड कभी नहीं उड़ता, क्यूब कभी नहीं होता। उसकी शेप कैसी होती है? एरोप्लेन्स की नीचे से बेस बड़ा है, ऊपर से छत ऐसी है, स्ट्रीमलाइन शेप है। ठीक, तो इस तरीके से कैसे? बेस बड़ा और यहाँ से छोटा, कुछ ऐसा। ऐसा क्यों? मान लो ये एरोप्लेन की टाइप स्ट्रक्चर है और ये आगे मूव कर रहा है, एरोप्लेन आगे ऐसे उड़ रहा है, बस भागता ही जा रहा है। अब जो एयर है या विंड है वो कैसे चलेगी? इसके ऑपोजिट चलेगी, हवा इसके ऑपोजिट चलेगी, तो हवा ऑपोजिट चल रही है। अब नीचे एरिया ज़्यादा रखा गया, ऊपर ये जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। नीचे एरिया ज़्यादा रखने की वजह से नीचे वेलोसिटी एयर की ज़्यादा रहेगी, रुकावट नहीं ना, फटाफट निकल जाएगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। एरिया इनटू वेलोसिटी से कांस्टेंट लगा रहा हूँ मैं, तो उतनी अब एयर ऊपर से भी जा रही है पर थोड़ी टाइट होगी स्टीम लाइन्स इसकी, क्योंकि ऊपर थोड़ा एरिया छोटा रखा गया है। तो इस चक्कर में यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जितना बड़ा एरिया रखोगे और हवा चलेगी, वेलोसिटी उतनी कम होगी, और एरिया छोटा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होगा? नीचे क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अगर मैं नीचे और ऊपर बर्नौलीज लगाऊं तो पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच, और ऊपर भी पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच, इन दोनों का सम कांस्टेंट है। जब भी आप बर्नौलीज लगाएंगे, आज हम पूरे लेक्चर में देखेंगे, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर नहीं करते। वो क्यों? मान लो ज़मीन से इसकी हाइट एच है, एच वन है, तो ये हाइट निग्लिजिबल है उस हाइट से। तो हम या ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेशर का चेंज इतना बड़ा होता है क्योंकि तीन टाइप की एनर्जीज हैं, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, प्रेशर का चेंज इतना ज़्यादा है कि उनके सामने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निग्लिजिबल है। तो हम जब ये थ्योरम लगाते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस हैं उनको हम निग्लेक्ट करते हैं, उसको लेते नहीं है, इसीलिए इस पार्ट को हम कंपेयर नहीं करते कभी भी। अभी और न्यूमेरिकल में भी दिखाऊंगा, सिर्फ दो ही चीज़ें कंपेयर होती हैं, प्रेशर एंड वेलोसिटी। अब होगा क्या? वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है नीचे, क्योंकि एरिया मैंने कम रख, एरिया मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, मैंने उल्टा कर दिया इसमें, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी यहाँ पर कम है, एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी यहाँ पर कम है ना, तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। तो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, वेलोसिटी यहाँ पर कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर कम है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कम है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी का सम तो कांस्टेंट ही है, तो अगर ये वाली टर्म कम हो गई तो ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो प्रेशर एनर्जी कम है। तो एक चीज़ बताओ, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो क्या डेवलप हो गया? प्रेशर का डिफरेंस, प्लेन ने उड़ना शुरू कर दिया। तो कुछ नहीं करना आपने, प्लेन ने रनवे पे सिर्फ भागना है, बहुत तेज़ वेलोसिटी से भागना है, क्योंकि थोड़ी वेलोसिटी से भागेगा फिर तो उड़ेगा ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त स्पीड चाहिए, और प्लेन की स्पीड हवा में तो 800 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इतनी स्पीड। तो नीचे रनवे पे 250-300 तो पकड़ ही लेता है वो, 250-300 बहुत होती है, 120 पे आप गाड़ी चला के देखो एकदम बहुत स्पीड है, अगर 250 स्पीड हो जाए तो हल्का हल्का उड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, अपने इंजन उसकी स्पीड बढ़ा आगे भागता ही रहता है। तो जितना स्पीड से भागेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज ले आएगा और उतना ही प्रेशर के डिफरेंस में चेंज ले आएगा, तो प्रेशर डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस ले आएगा उतने प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो जब प्लेन 250 से 800 की स्पीड पे लेके आता है तो वो हाइट अटेन करता जाता है और फिर हवा में जाके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी जाती है, ताकि वो ना नीचे गिरे ना ऊपर, और अगर उतरना है उसकी स्पीड को आगे जाने की स्पीड को कम कर देते हैं, जब कम करेंगे तो फिर प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है और ज़मीन पे उतरती प्रेशर डिफरेंस जीरो उतर जाता है। तो ये प्रिंसिपल है प्लेन का उड़ने का। तो प्लेन इसलिए जब भी उड़ेगा उसको जगह चाहिए, रनवे चाहिए होता है प्रॉपर लेंथ का, क्योंकि उससे उतरना भी है बड़ी हाई स्पीड से और उसने उड़ना भी है, तो बेसिकली बहुत हाई स्पीड उड़ने के लिए भी चाहिए और उतरते हुए भी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो क्या प्रिंसिपल है इसका? ये स्पीड है, ये एरोप्लेन तो आगे जा रहा है,
कि एयर की स्पीड है, हवा, जो हवा चल रही है उसकी स्पीड में चेंज ले आते हैं ऊपर और नीचे। हम डिज़ाइन ही ऐसा करते हैं, हवा जो नीचे पास करेगी, हवा जो ऊपर पास करेगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा रखेंगे ताकि प्रेशर थोड़ा कम पड़े छत पे, और बेस पे प्रेशर हवा का ज़्यादा पड़े तो हवा के प्रेशर से ऊपर उठ जाएगा ये। ठीक है यहाँ तक? तो ये इसका प्रिंसिपल है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। जो आप कोलिन की बॉटल या सेंट की बॉटल लेते हो, सेम प्रिंसिपल इसका भी। आप क्या करते हो, आप जब इसमें आप बॉटल लेते हो, ये लिक्विड है, आप इसे प्रेस करते हो, प्रेस करते ही आप क्या करते हो, वेलोसिटी इंक्रीज करते हो, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नीचे क्या है, जीरो। तो वेलोसिटी की वैल्यू अंदर क्या है, जीरो, और ऊपर क्या है, वी। तो जैसी वी ऊपर इंक्रीज होता है उसी टाइम प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, कम। पोटेंशियल तो हम लेते ही नहीं, मैंने बता दिया था। तो यहाँ वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा। तो प्रेशर डिफरेंस से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, आप इसको पंप कर रहे हो और ड्रॉपलेट्स आगे निकल जाएंगे। तो जैसे ही आप मतलब पंप करते हो या सेंट का वो दबाते हो, बटन दबाते हो, सेल थोड़ी ना कोई, बस ऐसे हवा प्रेस करते हो, जब हवा निकलती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर गिर जाता है, और नीचे प्रेशर डेवलप हो जाता है और प्रेशर का डिफरेंस लिक्विड को ऊपर उठा देता है, बस ये इसका प्रिंसिपल है, राइट। उसी तरीके से स्पिनिंग अ बॉल, जब बॉल, कई लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसे फेंकते हैं घुमा के हवा में कि जानी जान लगता है कि वो सीधी जाएगी गोल 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 घूमती हुई, लेकिन हवा में ही वो अपना पाथ क्या कर लेती है, थोड़ा सा चेंज, मतलब ऐसे जाने की बजाय वो ऐसी सी हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, जब एक बॉल है और वो घूमती, देखो घूमना ज़रूरी है, घूमती घूमती आपकी तरफ आ रही है, जब एक बॉल आपकी तरफ आएगी तो इसमें जो हवा है, विंड या एयर, वो कैसे चलेगी, मेरी तरफ। जब ये बॉडी ऐसे आएगी तो एयर को ऐसे क्रॉस करवाएगी। अब इस तरफ से एयर यहाँ क्रॉस हो रही है, इस तरफ से भी एयर यहाँ क्रॉस हो रही है, जब आगे जा रही है, और ये घूम भी रही है। अब ये वाला एंड कहता है कि मैं इधर घूम रहा हूँ, आपकी तरफ घूम रहा हूँ, और एयर इधर आ रही है, तो एयर की डायरेक्शन को अपोज कर रहा है ये वाला हिस्सा, घूम के ये वाला हिस्सा घूम के अपोज कर रहा है। लेकिन इसको फायदा हो रहा है क्योंकि एयर इधर आ रही है और ये वाला हिस्सा भी इधर आ रहा है, तो ये वाले हिस्से की स्पीड बढ़ गई और ये वाले हिस्से की स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया, स्पीड ज्यादा हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया, यहां ज्यादा यहां कम, ऐसे। तो ये बॉल की टेंडेंसी इधर मुड़ने की हो जाएगी क्योंकि बॉल के घूमने की वजह से वेलोसिटीज में डिफरेंस आ गया, प्रेशर का डिफरेंस आ गया, जिस वजह से ये टर्न कर जाती है। होता बहुत हल्का सा, ये नहीं है कि ऐसे उठ के इधर चली गई, पर इतनी सी भी अगर हो गई तो विकेट तो उखाड़ देगी ना, विकेट निकल जाएगी इसकी, क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, इतना सा तो मैं, इतने से गैप बहुत होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो यही तो बस करना है कि हल्का सा बॉल को जो है हवा में घुमाया, और ताकि हल्का सा उसको कन्फ्यूजन हो और वो देख ना पाए इतनी तेजी से कि बॉल आ तो इस डायरेक्शन में रही है लेकिन आती आती थोड़ी मुड़ गई। कहते नहीं क्रिकेट कमेंट्री में बोल रहे हैं, स्विंग हो गई हवा में, स्विंग हो गई, तो इस तरीके से पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये भी इसका प्रिंसिपल है। ये देखो छत क्यों उड़ती है, एक छत है, टेम्पररी छत है, टीन की छत है घर में, और सारी खिड़कियां दरवाजे सारे बंद हैं, ये भी ज़रूरी है। हवा चली बहुत तेज, टीन उड़ गए, छत उड़ेगी, दीवार नहीं टूटेगी। देखो छत सीधा ऊपर की उड़ती है, हुआ क्या, जब हवा चली बहुत तेज तो ऊपर की वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा। अंदर सब खिड़कियां बंद है तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो हुआ क्या, जैसी हवा चली, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ का प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। नीचे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम तो बहुत हाई प्रेशर, प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, ज़्यादा। अब देखो अंदर घर के अंदर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो गया, छत के ऊपर कम हो गया, ऊपर की तरफ छत सीधा ऊपर उड़ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब बचा भी सकते हो इससे, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको खिड़कियाँ खोलनी चाहिए ताकि नीचे से भी एयर क्या आ जाए, अंदर से क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर एयर अंदर से क्रॉस करेगी तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो छत के उखड़ने का डर कम हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, दो जगहों पे जहां पर अगर एक जगह ज़्यादा हवा चल पड़ी, एक जगह कम चल पड़ी, वहां प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होना ही होना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे, इस तरीके से आप सोच सकते हैं इसमें, ठीक।